ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेवाड़ी में एक नाबालिग के लापता होने के 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। गांव मोहनपुर की चौपाल पर धरना दे रही ये महिलाएं स्थानीय नेताओं और पुलिस प्रशासन से 12 वर्षीय मासूम बच्ची को जल्द तलाशने की मांग कर रही है। इन महिलाओं की माने तो गत 27 जून को नाबालिग घर से पड़ोस की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, लेकिन आज तक वापस घर नहीं लौटी। मेरे पास शकुंतला जी की सूचना गई थी कि हमारे गांव से एक लड़की गुम हो गई, और हम मंत्री जी के पास भी हुए आए हैं और एसबी साहब के पास भी हुए आए हैं और पुलिस के तो पास हम कितनी बारी जा चुके हैं। एक मंत्री साहब का तो कुत्ता खो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन बरामद कर सकती है, और एक लड़की 12 साल की गरीब आदमी की, एक तरफ तो गरीब सहायता और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ एक बेटी का शोषण हो रहा है। पता नहीं वो किस हाल में, भूखी है या प्यासी है, कैसे है, किस हाल में है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अगर कोई भी मंत्री या कोई ऐसा कोई बड़ा आदमी दबंग है, उसकी बच्ची खो जाने दो, उसका कुत्ता खो जाने दो, 24 घंटे के अंदर अंदर बरामद कर देंगे। कुछ नहीं है जी, वो वहाँ एप्लीकेशन लगाई, दो बार पुलिस आई, फॉर्मेलिटी प्रिपेयर करके गई वो, और दोबारा यहाँ मोहनपुर गांव में महिला पुलिस नहीं आई, कल ही आई है वो। कोई मतलब अभी मतलब, मीटिंग के बाद मीटिंग हम कल परसों एसपी के गया, तब बाद में कल शाम की पुलिस आई। 27 तारीख से आज लगभग उसको 15-16 दिन हो गए। हाँ जी ठीक है। हाँ। लेकिन बच्ची का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं पता है नहीं। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम सब कुछ भी कर सकते हैं, हमारी बेटी अगर नहीं मरम्मत करेंगे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं।